उत्तर प्रदेश में मीट व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों ने काम पर लौटने का ऐलान किया। सरकार ने मीट कारोबारियों को भरोसा दिया है कि वैध रूप से काम कर रहे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि कारोबारियों को एनजीटी के आदेश का पालन करना होगा। सीएम ने आदेश दिया है कि अधिकारी जाति धर्म देखकर कार्रवाई ना करें। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई का असर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दिखने लगा है। एएमयू की कैंटीन में अब छात्रों के लिए दाल और चावल पकाए जा रहे हैं। यहाँ की मेस में वेज के साथ नॉन वेज भी बनाया जाता था, लेकिन अब छात्रों को सिर्फ वेज खाना ही परोसा जा रहा है। एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर हॉस्टल में मीट की सप्लाई कराने को कहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्रालय ने जेट प्लस सुरक्षा दी है। अब योगी की सुरक्षा सीआईएसएफ के स्पेशल कमांडो करेंगे। इनके अलावा सीएम के सुरक्षा घेरे में यूपी पुलिस की छोटी टुकड़ी भी तैनात रहेगी। जेट प्लस कैटेगरी के तहत अत्याधुनिक हथियारों से लैस 25 से 28 कमांडो की टुकड़ी 2400 घंटे सीएम के साथ रहेगी। गोरखपुर के सांसद रहते हुए योगी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। विधानसभा में अपने पहले भाषण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार विपक्ष से भेदभाव नहीं करेगी। योगी ने कहा कि सत्ता और विपक्ष को साथ मिलकर काम करना होगा और हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इससे पहले हृदय नारायण दीक्षित को सर्वसम्मति से यूपी विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में पहला भाषण दे रहे थे, तब बीजेपी के कई विधायक गहरी नींद में सोते नजर आए। भाषण के दौरान कई बीजेपी विधायकों को आंखें मूंदे झपकी लेते देखा गया। यूपी के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना एक साजिश हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पिछली कई संदिग्ध रेल घटनाओं के मद्देनजर महोबा हादसे की वजह पता लगाने के लिए कहा है। हादसे के बाद एटीएस की टीम सुराग तलाशने के लिए मौके पर गई थी। योगी सरकार के एंटी रोमियो अभियान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। एंटी रोमियो अभियान के खिलाफ जनहित याचिका को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई कानूनी या संवैधानिक रुकावट नहीं है। कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु और गोवा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाने को कहा है। गौरव गुप्ता नाम के वकील ने मॉरल पुलिसिंग का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की थी। यूपी के प्रतापगढ़ में 9वीं की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। चार मंचलों ने छात्रा से मोहनगंज बाजार में अश्लील हरकत की, विरोध करने पर उसे मारा पीटा भी। परिवार वालों ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो आरोपियों ने घर आकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जापान ने पंजाब में निवेश की इच्छा जताई है। जापान के एम्बेसडर केंजी हिरामत्सू और मशहूर जापानी कंपनी मित्सुबिशी के एमडी ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान निवेश और आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहाली के नया गांव की तस्वीर बदलने का भरोसा दिया है। सिद्धू यहां आम लोगों के बीच पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान सिद्धू ने साफ कर दिया कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धू ने सड़क निर्माण में क्वालिटी का खास ध्यान रखने और घरों के नक्शे जल्द पास किए जाने का भरोसा दिया।